पाठ पहला जशाया नबी दी पोथी उदा 58 बाब 1 तो 9 आयत तक। प्रभु फरमाउंदा है, उच्ची दिती पुकार सरफा ना कर, तुरी वांग अपनी आवाज़ उच्ची कर। मेरी प्रजा लई उना दे अपराध अते जकूब दे घराने दे लई उना दे पाप दस। वो नित दिहाड़े मैनू पालदे हन अते मेरे राह सियाण विच खुश हुंदे हन। एक कौम वांग जिसने धर्म कमाया अते अपने खुदा दे हुक्मनामे नू नहीं त्यागिया। ओ धर्म दे न्यों मिथों पुछदे हन, ओ खुदा दे नेड़े होण विच खुश हुंदे हन। असां क्यों वर्त रख्या अते तू वेखदा नहीं, असां क्यों अपनियां जानां नू दुख दिता अते तू ख्याल नहीं करदा। वेखो वर्त दे दिन तुसी अपनी खुशी लभदे हो अते अपने सारे कामियां नू तकी फिरदे हो। वेखो तुसी झगड़े रगड़े लई अते बुरियाई दे हुरे मारन लई वर्त रखदे हो। अज वर्गे वर्त रखण नाल तुसी अपनी आवाज़ उचाई तो नहीं सुनोगे। कि एहो जिहा वर्त है जिसनू मैं चुना? एक दिन जिस दे विच आदमी अपनी जान नू दुख देवे, कि ओ काने वांग अपना सिर चुकावे अते तप्पड़ अते सुवा विछावे? कि तू इसनू वर्त आखेंगा? एक दिन जिहड़ा प्रभु नू पावे, जिहड़ा वर्त मैं चुनिया कि ए नहीं? कि तुसी बदी दे बंधना नू खोलो अते जूले दे बंधा नू तोड़ो, दे बैलां नू छुड़ाओ अते हर जूले नू बन सिटो? कि ए नहीं कि तुसी अपनी रोटी भुखियां नू वंड दिओ अते बेघरे मस्कीना नू अपने घर लियाओ? जद तुसी नंगे नू वेखो तां उस नू कजो अते अपने साथियां तो अपना मूँह ना लुकाओ? फिर तेरा चानण सवेर वांग फुट निकलेगा अते तेरी तंदुरुस्ती छेती उमड़ पवेगी। तेरा धर्म तेरे अगे अगे चलेगा, प्रभु दा प्रताप तेरे पिछे राखा कहोवेगा। तद तू पुकारेगा अते प्रभु उत्तर देवेगा, तद तू दुहाई देवेगा अते ओ आखेगा मैं हाँ। ये प्रभु दी बाणी है, खुदा दा शुक्र होवे। संत मत्ती दी अंजील 9 बाब 14 तो 15 तक। तद ही उना दे चेले ये कहंदे होए यीशु को लाए, क्यों असी अते फरीसी वर्त रखते हाँ पर तुहाडे चेले वर्त नहीं रखते? यीशु ने उना नू कहा, जदों तक बराती दे नाल लाड़ा है कि बराती सोग कर सकते हैं? वह दिन आ जाणगे जदों लाड़ा उन्हां कोल वखरा किया जाएगा अते ओ वर्त रखणगे। ई प्रभु दी पवित्र अंजील। तेरी महिमा होवे ऐ मसीहा।